और बाकी मेरे ख्याल से तैयबा की बर्थडे भी है, तो उसको हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू, एडवांस में तो नहीं शायद उसकी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तैयबा बेटा, और सारा को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तैयबा को हज़ारों हज़ारों ढेरों खुशियाँ दे और हज़ारों साल जिए तैयबा, ये दिल से दुआ है। तो बाकी हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं, जब सितारा का जो ब्लाग है वो नहीं आता, तो बस बात ही ये ब्लाग उसका इसलिए नहीं आया। ये देखिए अब्दुल्ला और ज़ियाउल्ला जो है मुर्गी के साथ लाड़ कर रहे हैं, इनको मुर्गियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी कहती हूँ मुर्गियों को बेचूंगी, मेरा दिल अभी भी करता है बेचूं, लेकिन ये फिर उदास हो जाते हैं। कितने प्यारे आराम से बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छी जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और नाश्ता वगैरह कर लिया है, मैंने भी कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, लेकिन फातिमा और सोया अभी तक सोई हुई हैं, वो इंशाल्लाह आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे तो आपको मिलेंगी। बाकी मुर्गियों के आगे अब्दुल्ला ने दाना वगैरह डाल दिया। अब्दुल्ला पढ़ रहा है अपने स्कूल का काम, क्योंकि आज संडे है और मंडे को उन्होंने जाना स्कूल से। अल्लाह खेल रहा है, आपके भाई कर रहे हैं अपनी अम्मी को कॉल, वो अभी रिसीव नहीं कर रहे इधर से, तो वो बैठे हुए हैं इस वेट में। तो मैं बस साथ साथ अब घर की रूटीन शेयर करती जाऊंगी आपसे, आप सबने देखना है और स्किप नहीं करनी वीडियो। बहन को जब पूरी वीडियो देखते हैं तो फिर लाइक लाजमी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। और अभी थोड़ी देर बस जोया और फातिमा दोनों जाग जाएंगी, इससे पहले पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ घर का। फातिमा भी उठ गई है, फातिमा गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, पीछे मेरे बाल बताओ अपने, ये देखें रात को ये छुट्टियाँ बना के सोती है ना, इसके बालों का क्या बना हुआ है। अभी आओ नाश्ता कर लो पहले, चलो ज़ियाउल्ला स्कूल का काम कर रहा है अभी। ये कौन सा काम कर रहे हो ज़ियाउल्ला? इंग्लिश का। और फातिमा भी नहाई है, ज़ियाउल्ला भी नहाया है और जोया भी नहाई है। जोया जोया जो पहले नहाई, जोया को देखे, जोया क्या करिए, जोया क्या कह रही हो बेटा? इतने दिनों बाद आप आई हो सबके सामने। दमुरो ये देखिए इसकी पोनियाँ एक और दो, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। अच्छा अभी अब्दुल्ला की जो बुक है उस पर कवर करने लगी हूँ, ये प्लास्टिक वाला जो होता है ना शीट, ऐसे तो बाइंडिंग करवाते हैं लेकिन एक बुक रहती थी अब्दुल्ला की। ये अब्दुल्ला के कल फ्रेंड लेके आए, उनके बाबा की शॉप है, ये शॉर्ट हुई थी इस वजह से ये अकेले रह गया, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही हम खुद ही घर में कर लेते हैं। शीट बाबा भी लेके आए हैं इसके, तो कौन कौन सी मेरी बहनें ये काम भी साथ साथ करती होती हैं बच्चों के। अच्छा जी ये मैंने स्टिच किया था प्लाजो अपने लिए, स्ट्रेट प्लाजो ही बनाया ये, क्योंकि बैल के लिए इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो फिर स्ट्रेट ही मैंने बनाया इस तरह से। ये स्ट्रेट भी अच्छा लगता है ना, चिकन का है ना ये, तो ये देखिए इनके इसके पाइचे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी शर्ट इसके स्टिच करूँगी, फिर वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अभी देखिए ये कपड़े में उतार के लाई हूँ बाहर से, आपको होता है संडे जो होता है ना वो फंडे ही होता है, फंडे नहीं होता। ये यूनिफॉर्म बच्चों का, अब्दुल्ला लोगों की, सबकी दो दो शर्ट्स हैं, फातिमा का बस एक यूनिफॉर्म और लेना है, और ये आपके भाई के कपड़े हैं, इनके आपके मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना, मैं आपके भाई मेरे हस्बैंड तो उनके तकरीबन मोस्टली डन हो चुके हैं, प्रेस कर ली हैं, तो बच्चों के रह गए। आज जोया बहुत चिड़चिड़ी हुई है, ये पता नहीं क्यों बार 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 रो रही है। और अभी ये देखें ये भी ख़त्म हो चुका है, ईशा ऑर्गेनिक का जो वो था टोनर, ये मैं हाथों और मुँह पर लगाती होती हूँ, पहले तो स्प्रे करती थी लेकिन अभी स्प्रे करनी छोड़ दी है। बाबा भी आ गए हैं बिस्तर लगा कर, बड़ा अच्छा शाइनी शाइनी सा फेस हो जाता है ये देखें। तो बस लगा लिया ये, इंशाल्लाह फिर दोबारा मंगवाऊंगी। जोया जोया की मुर्गियाँ भी हैं वो पीछे, सोया को अभी उल्टे टाइम पे आई हुई है नींद है, अभी शाम हो गई है 6:30 हो गई, अभी तो नहीं सोना। अच्छा जी देखिए ये व्यू कितना अच्छा आ रहा है, सूरज ग़ुरूब हो चुका है और शाम हो चुकी है। तो बस आजकल रूटीन इतनी टफ बनी हुई है ना कि सही तरह से मुझे व्लॉगिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, और मुर्गियाँ मुझे देख के जमा हो गई हैं, उन्होंने समझा खाना ले आए, लेकिन इनका खाना इस टाइम पर एंड हो जाता है खाने का, इसके बाद नहीं डालते। तो देखें करते करते शाम हो गई है। अच्छा दिन का खाना खाने में बनाई थी दाल माश, और आजकल आ रहे हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने, तो 4 बजे वो आ जाते हैं, 6 बजे फिर उनको छुट्टी होती है, फिर उसके बाद यही टाइम हो जाता है, फिर मैं यही कहती हूँ कि अभी शाम हो गई है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग से क्लियर करनी थी कि काफ़ी लोग काफ़ी सारे अपने अपने व्लॉग डाल रहे हैं और सितारा को लेके आप कहते हैं आप सितारा का नाम यूज़ ना करें, तो मैं अब यही कह रही कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इसको ख़त्म होना चाहिए, और जब तक रिएक्शन वाले रिएक्शन देना ख़त्म नहीं करेंगे ये नहीं ख़त्म होगी, ठीक है? तो बाकी मैंने इसके ऊपर अब नहीं बोलना क्या है क्या नहीं
हैं क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पाक उनकी जो मसले मसाइल हैं दोनों बहनों के दरमियान वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि सारा अपने अच्छे अच्छे व्लाग अपलोड करे। और व्लाग उसका इसीलिए नहीं आया होगा, या तो कोई मसला परेशानी होगी, बाकी उन्होंने उनकी फैमिली वालों ने क्लियर कर दिया कि कोई सामान की शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे हैं, दो तीन दिन तक आज या कल उसका सितारे का व्लाग आ जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल से तैयबा की बर्थडे भी है, तो उसको हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू, एडवांस में तो नहीं शायद उसकी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तैयबा बेटा, और सारा को भी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक तैयबा को हज़ारों हज़ारों ढेरों खुशियाँ दे और हज़ारों साल जिए तैयबा, ये दिल से दुआ है। तो बाकी हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ राय दे रहते हैं, जब सितारा का जो व्लाग है वो नहीं आता, तो बस बात ही ये व्लाग उसका इसलिए नहीं आ गया, या तो उसकी तबीयत भी हो सकती है, या ज़ाहिर मौसम ऐसा है, लेकिन उनकी फैमिली वालों ने यही बताया कि सामान वगैरह कुछ रख सक रही हैं, तो उस वजह से थोड़े से लेट हो गए हैं, बाकी आज या कल उसका व्लॉग आ जाएगा। तो बाकी दुआ में याद रखना है, कोई चीज़ अच्छी लगी तो बहन को अप्रिशिएट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।